नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी में। मैं रोहित लेकर आया हूँ आज यूपी टेट 2018 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास। तो हमने क्वेश्चन लिए हैं आज 30 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने में प्रयास पर भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर 23 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कहलाती है सीखने का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम है, तो अधिगम फ्रेंड यहाँ पर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुभवों एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया फ्रेंड्स? यहाँ पर ये किया था स्किनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, कोलर निम्न में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत इन किसने दिया था? कोलर ने दिया था फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर हो जाता है अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो कौन सा स्तर है? यानी कि ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो किसके हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हो जाता है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यानी कि शेष से आपको भिन्न बताना है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में कौन सीखने के गैस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिएगा 12 का जो है राइट आंसर हो जाता है कोलर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, यानी कि 13 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहां पर भी 14 का राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो किनके द्वारा दिया गया यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर हो जाता है गेट्स व अन्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का नियम कौन सा है? 16 का देखिएगा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी के द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया है? तो 17 का देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, युंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। सीखने के नियम दिए हैं, तो सीखने के नियम किसने दिए हैं फ्रेंड्स? थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्को से डॉट 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 में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के, यानी के ऑप्शन नंबर 19 का देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी नंबर, यानी के प्रकार या मात्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो देखिएगा 20 का जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है लक्ष्य उद्दृष्टि व्यवहार की योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है गे सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो किसने वर्गीकृत किया है यहाँ पर देखिएगा मैकड्यूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? तो देखना है भाषा का आंसर आपको बताना है, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्या करती है? भाषा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, यानी कि जुड़ा हुआ है? तो 25 का देखिएगा जो अच्छा यानी कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हो जाता है यहाँ पर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? सीखने का समग्र सिद्धांत हल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोर अवस्था, यानी के 28 का देखिएगा राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें .. के अनुरूप बदलना है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है व्यवस्था या बच्चे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है ग्रो एवं क्रो का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं कराया लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।